जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश जीके से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का चैलेंज लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप सभी ने जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करना है और आपने वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ये चीज़ भी लिखनी है कि आपका यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हिमाचल का कुल्लू जिला किन पांच जिलों से घिरा है? हिमाचल का कुल्लू जिला किन पांच जिलों से घिरा है? तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। ऑप्शन ए इज राइट। आगे दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल का राज्य खेल कौन सा है? आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, हिमाचल का राज्य खेल कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिमाचल का जो स्टेट, हिमाचल की जो स्टेट गेम है, हिमाचल का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? वॉलीबॉल। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 है, क्या पूछा गया है, सतलुज नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ से प्रवेश करती है, आपने उस स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फिरनू। सतलुज नदी मंडी में फिरनू से प्रवेश करती है। आगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, क्या पूछा गया है दोस्तों, सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? जब सिरमौर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? आपके पास दोस्तों 5 सेकंड्स का टाइम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पे जो आंसर है उसे गैस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन बी इज राइट। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने यहाँ पे जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी पूर्णचंद जी राइट आंसर। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, हिमाचल में से कहाँ पर कमिश्नरी नहीं है? हिमाचल में से कहाँ पर कमिश्नरी नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्ज़ाम्स रहते हैं जिनमें ये जो क्वेश्चन है वो देखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा हमीरपुर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्या पूछा गया है, 1 मार्च 1952 को हिमाचल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या हम यूँ भी कह सकते हैं हिमाचल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जो कि 1 मार्च 1952 में बने थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहेगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, हिमाचल में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हिमाचल में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? दोस्तों यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसलिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ताकि तब तक जो आपका आंसर है आप सोच सको। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी ने सोच लिया होगा और ये भी उम्मीद है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो आंसर है वो आता होगा। राइट आंसर इज 1992 में हिमाचल में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा गया है, 1971 में हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? 1971 में हिमाचल उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है,
यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन थी। 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन थी। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपने गैस करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी ने ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कविता ठाकुर किस खेल से संबंधित है। कविता ठाकुर किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, कबड्डी। जो कविता ठाकुर है वो कबड्डी गेम से रिलेटेड है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चोला दारू किससे संबंधित है। जो चोला दारू है जो कि जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक फेमस पोशाक है वो कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन का जो आंसर है आपने गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी का। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की गद्दी प्रजाति है उसका ये जो चोला दारू पोशाक है वो उससे रिलेटेड है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या पूछा गया यहाँ पे हमसे, लार्जी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। लार्जी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने गैस करना है, तो उम्मीद है आपने ये जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्यास नदी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमाचल में दूध गंगा योजना किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। हिमाचल की जो योजना है दूध गंगा वो कौन से बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। सबसे पहले आपने जो आंसर है उसको गैस करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने जो आंसर है उसको गैस कर लिया होगा। सो राइट आंसर इज नाबार्ड। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है वो कब बनाया गया। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया गया। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने गैस करना है। तो उम्मीद है आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं जहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1877। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के कौन से ज़िले में है। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के कौन से ज़िले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपने ये जो आंसर है वो ढूंढना है। तो दोस्तों उम्मीद है जो आंसर है वो आपने गैस कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कांगड़ा वो बिल्कुल ही सही है। सो सी ऑप्शन इज राइट। आगे दोस्तों क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है उसमें टोटल कितनी विधानसभाएं आती है। कांगड़ा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है उसमें टोटल कितनी विधानसभाएं आती है। तो सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर गैस करना है। तो दोस्तों उम्मीद है जो आंसर है वो आपने गैस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 17। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 17 विधानसभाएं हैं वो आती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो आंसर है वो गैस करना है। तो उम्मीद है जो आंसर है आपने गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयवंत राय, ऑप्शन बी इज राइट। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। हिमाचल में सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा शाह नहर परियोजना। आगे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है वो कब लागू हुई थी। हिमाचल की औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2004। जो 2004 है वो बिल्कुल ही सही आंसर रहेगा। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों,
जो हमारी दिव्य दैनिक अखबार है वो कब शुरू हुई थी, दिव्य दैनिक अखबार जो है वो कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 1997, ऑप्शन बी इज राइट। तो उम्मीद है आपने ये जो क्वेश्चन है माइंड में रखा होगा। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, कालका शिमला जो रेलवे लाइन है उसका मुख्य इंजीनियर कौन था, कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी ने गैस करना है, तो उम्मीद है आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, H.S. हेरिंगस्टन। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 2023 में जो भी एग्ज़ाम निकलेंगे उनमें ये जो क्वेश्चन है वो काम आने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों जो वीडियोस है आपने इनके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।